ओके, थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग समझ ही चुके हो कि ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली है। आई एम सॉरी, सो आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हो। और इस वीडियो से हो सकता है कि कुछ लोगों को ठेस पहुंचे, लेकिन ये एक तरह से इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम लोग नहीं, मैं मतलब मी, ओके। तो आज हम अपने ही वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं, इसको काइंड ऑफ एक्सप्लेन कह सकते हैं, अपने वीडियो पे क्या दिन आ गया, राइट? बट क्या करेगा, इस करना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट जो गेम प्ले वीडियो था IJ 2 का, मिशन 14 किल एवरीवन विद नाइफ ओनली, इसमें कुछ लोगों को इस सीन से प्रॉब्लम है। मेरे लिए तो ये सीन नॉर्मल है, और मे भी हो सकता है आप लोगों के लिए भी ये सीन नॉर्मल ही होगा, बट जिन्हें प्रॉब्लम है उन लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। आई एम सॉरी, हमको दिखाना पड़ेगा। पहला है, हैक वैक लगाया है क्या? एनिमी चाकू लगाने से पहले ही मरता कैसे वे? यहां मैं ये डेफिनेटली इसी सीन की बात कर रहा होगा। और दूसरा, इतना दूर से नाइफ कैसे चल रहा है? लास्ट में तो नाइफ चलाने से पहले ही आदमी मर गया। चीट इस्तेमाल करना तो कोई आपसे सीखे। बस आगे नहीं पढ़ना है। यहां मैं भी ये मेरे लास्ट नाइफ किल की ही बात कर रहा है। आई नो गाइस, इस तरह के कमेंट को रिप्लाई करने का अब कोई फायदा नहीं है। डेफिनेटली वो लोग तो आके नहीं देखने वाले। उन लोगों ने कमेंट किया और वो चले गए, बट रिप्लाई देना जरूरी हो चुका है। इसके दो रीजंस है। पहला तो वही बात गाइस, देखो दिल पे ले लिए, और इस तरह का कमेंट हमको ये नया नहीं मिला है। छोटे, चीट यूज करके खुद को गेमर ना बोलो, समझे? जैसे पापों का घड़ा होता है ना गाइस, जो भर जाता है, वैसे पेशेंस का भी घड़ा है जो मेरा भर चुका है। So I have to reply now. दूसरा रीजन ये है रिप्लाई देने का कि क्या पता आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्टिल डाउट में है। सो इस वीडियो के थ्रू हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो अपने गेम प्ले वीडियो को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सीन में दिख रहा है कि हम बहुत दूर से नाइफ किल कर रहे हैं, जो इन लोगों के हिसाब से सिर्फ चीट से ही पॉसिबल है या हैक से, और मे बी ट्रेनर। ओके, अब दूसरा सीन की बात करते हैं। इसमें दिख रहा है कि मेरे चाकू चलाने से पहले ही एनिमी मर रहा है या मर जाता है। ओके, यही दो बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बार फिर से गेम को शुरू से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों को स्क्रीन में कीबोर्ड्स के कुछ कीज और माउस का ओवरले दिख रहा होगा। इस तरह के इनपुट ओवरलेस का काम क्या है? कुछ भी, अगर हम कीबोर्ड माउस प्रेस करते हैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे स्क्रीन पे ये शो करता है, भले ही गेम हैंग ही क्यों ना हो गया हो, ये तब भी काम करता है। एंड आई बिलीव कि इसके थ्रू हम आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ में कीबोर्ड के सारे कीज को शो करना जरूरी नहीं है, मेन जो है वो है माउस, क्योंकि माउस से ही हम लोग शूट करते हैं और नाइफ किल भी। ओके, तो यहाँ में सबसे पहले हम लोग प्लेयर्स पे जाएंगे इसके डिफिकल्टी को दिखाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इजी और नॉर्मल में दूसरा शो करे जो हम दिखाना चाह रहे हैं। जिस तरह कमेंट है उसका जो रिप्लाई है वो हम शायद अच्छे से नहीं कर पाए उस पर, लेकिन हम हार्ड में खेले तो हम हार्ड में ही आपको शो करेंगे। इसको ओके करते हैं, और ओवरले आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मिशन हम यहाँ में चुनेंगे प्रिजन एस्केप। आई नो ये सेंस नहीं बनाता, लेकिन सब में एक ही काम करेगा, डोंट वरी। और प्रिजन एस्केप क्यों? प्रिजन एस्केप इसलिए क्योंकि इस मिशन में ही हमें सबसे पहले नाइफ मिलेगा, और हमारे एकदम सामने एनिमी भी रहेगा। सो प्रिजन एस्केप, ठीक है, इसको हम डबल करते हैं। और ठीक है, लोडिंग इसको स्किप करते हैं। और अभी था कि इतने दूर से हम कैसे मार दिए। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये एनिमी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और ठीक है आप डिस्टेंस देख सकते हो, डिस्टेंस ऑलमोस्ट उतना ही है। इसको और एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, उसका परछाई आप देख सकते हो, ये मेरा परछाई मतलब प्लेयर का परछाई। इस बार हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, यहाँ से मारेंगे नहीं। ठीक है, ये लग गया, कभी कभी ठीक से नहीं लगता है, लेकिन चेस्ट या बैक के आसपास मारने से होता है, मतलब कि एनिमी को शॉट लगता है। और एक बार दिखाते हैं,
यहाँ था हम लोग, यहाँ थे, और इस बार नाइफ मतलब कि राइट क्लिक, और एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। ओके, डिस्टेंस आप देख सकते हो, मेज़र कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस है, और ठीक है माउस क्लिक देख सकते हो। अब दूसरा हम दिखाते हैं कि एनिमी पहले मर रहा है कैसे, इसमें भी वैसे हुआ होगा, लेकिन दूसरा में हम अभी वाले वीडियो में, अभी वाले सीन में अच्छे से उस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एनिमी पहले कैसे मर जा रहा है, ठीक है, अभी भी वही डिस्टेंस लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, एनिमी मर रहा है ऐसे, आप लोगों ने देखा हम माउस बटन को होल्ड करके रखे हुए थे, और एक बार ये चीज़ आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ठीक है, सामने से भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हो अगर हम माउस बटन होल्ड किए रहेंगे तो एनिमी पहले ही मरेगा, मतलब कि पहले नहीं मरेगा, एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम है, बस ये जो नाइफ चल रहा है ये लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ये बग हो सकता है या फिर गेम हैंग तो नहीं कर सकता है, हो सकता है बग है या फिर इसे ऐसे ही बनाया गया हो सकता है, हु नोज। इसको और एक बार हम दिखा देते हैं, ठीक है, खड़े होके मार रहे थे, आप देख सकते हो एनिमी पहले ही मर रहा है अगर हम लोग होल्ड करके मारेंगे, क्योंकि ये लेट रिस्पॉन्स करता है अगर हम लोग नाइफ यूज करेंगे तो। सो गाइज, हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आई बिलीव इतना से आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। आई नो गाइज, कुछ तो लोग कहेंगे ही, जो उन्हें समझ में नहीं आता है वो डाउट करेंगे, इसलिए इन सारे चीज़ों पे हम शुरुआत से ध्यान देते आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट मिशन में ही क्या हुआ था कि हम इस जगह पे फंस गए थे, लेकिन मेरा हेल्थ जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग इस पे सवाल खड़े करोगे, सो दैट्स वाई हमको शुरू से फिर से खेलना पड़ गया था, जबकि पहले वाला ज़्यादा बेटर था। सो एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, हो सकता है आप लोगों के लिए गेम के बाद चीट हैक एंड ट्रेनर ही आता होगा, लेकिन देखो इसके आगे भी बहुत कुछ है, जैसे हो गया गेम का बग्स हो गया, ग्लीचेस हो गए, और ग्राफिक्स, गेम की स्टोरी, ये तो बहुत आगे की बात है। आप लोगों के कमेंट्स देख के लगता है आप लोग अभी भी चीट तक ही सीमित हो, इससे आगे आप लोग बड़े ही नहीं। आई नो गाइज, आप लोगों के लिए आज ये इमोशन है, बचपन में खेलते थे और भी दुनिया भर की बातें, लेकिन इस गेम की इतनी छोटी सी चीज को आप लोग समझ नहीं पाए, आप लोगों को डायरेक्ट यही लगने लगा कि ये चीट है। ये बात आप लोगों के IGI फैन होने पर सवाल खड़ा करता है। एनीवे गाइज, आई एम सॉरी, इस तरह के वीडियो हमको नहीं बनाना चाहिए था, छोड़ो, सॉरी गाइज, अगेन सॉरी।